हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद रिद्धिमन। तो ये वीडियो जो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित रहेगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोर्ड के द्वारा जो भी जारी निर्देश थे वो मैंने आपको पढ़ के बताए थे। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है उसको देखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। जब आप विस्तृत आवेदन प्रपत्र भरोगे तो सबसे पहले इनको आप पढ़ेंगे, उसके बाद भरेंगे, ठीक है, ताकि गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे। सबसे पहली बात जो मैंने आपको आवेदन पत्र के बारे में ये बताई कि जो शुल्क है वो आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पोस्टल ऑर्डर संलग्न नहीं करना है और आपको साइट पर जो भी प्रपत्र दिखाई दे रहे हैं अभी 2018 और 2021 के हैं, ठीक है, उनको नहीं भरें, क्योंकि उसमें जो है कई कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हमारी कैटेगरी उसमें शो ही नहीं हो रही है। तो अभी बिल्कुल नए तरीके से चेंज होके जो आपके सामने आएगा, आप एक दो दिन जो है वेट करें, उसके बाद उसे भरें। तब तक आपको जो है वो क्या करना है, जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है आवश्यक दिशा निर्देश, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उनको आप तैयार करें। जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगे गए थे वो मैंने आपको बताया, केवल उन्हीं को तैयार करना है। इसके अलावा आप लोग अपना दिमाग नहीं लगाएंगे एक्स्ट्रा। कई जो हैं सोचते हैं कि जो स्वयं घोषणा पत्र जो तैयार होगा उसे भी बनवा लें, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट है, पुलिस वेरिफिकेशन है, ठीक है, इनको आपको अभी तैयार नहीं कराना है। यदि कोई बच्चा जो है इनके साथ जो भी प्रपत्र जारी होगा उसके साथ संलग्न कर देगा तो उसके बाद दोबारा से उसको जो है इसमें मेहनत करनी पड़ेगी और जब वो मांगेंगे तब आपको दोबारा से लाना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता जो दी हुई है केवल इन्हीं को जो है वो आपको तैयार करना है, ठीक है। दोबारा से जो है वो आप देख लें कि आपकी जो है 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री या डिप्लोमा, ठीक है, और अन्य कोई उपाधि। इसके अलावा जो है वो आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी कागज़ जो है वो तैयार नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी बात कि आपके जो अभी शेड्यूल जारी होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कब होगा, तो 1 जुलाई के बाद से जो है वो आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले तो अभी लेवल 1 के जो आपकी स्कोर कार्ड हैं वो जारी हुए हैं और लेवल 2 SST के स्कोर कार्ड जारी हुए हैं और 2-4 दिन में आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके भी जारी हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी मैंने आपको लाइनें बताई हैं इनको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, और ध्यान से जो है वो आपको समझना है। दोबारा से तो मैंने आप लोगों के लिए जो है वीडियो बनाने के बारे में सोचा ताकि आपको कोई गलती ना हो। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि पोस्टल ऑर्डर नहीं, आपका 100 रुपये ऑनलाइन शुल्क जमा होगा, ठीक है। अभी आप जो है वो आवेदन प्रपत्र को ना भरें क्योंकि अभी 2018-2021 जो भी लेटेस्ट भर्तियाँ हुई हैं उनके आपको दिखाई देंगी, आप 1-2 दिन वेट करें। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो स्कोर कार्ड है वो आपका जल्दी जारी हो जाएगा। साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं, जो संस्कृत हिंदी के स्टूडेंट हैं, किसी भी तरीके का मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, अभी आपको कोई भी कागज़ इस तरीके का नहीं बनवाना है। जो भी यहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश में जो भी कागज़ों के बारे में कहा गया है केवल वही बनवाएं, ठीक है। अगर किसी के जो है नेम में कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, गलती है, तो आपने जो है वो कोई अपराध नहीं किया है, आपको जेल नहीं होगी, बिल्कुल आप जो है टेंशन फ्री रहें। यहाँ पर मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताई है, नाम में अगर कोई भी मिस्टेक होती है आप शपथ पत्र लगाएंगे, 10th की मार्कशीट जो है उसके बेस पर ही आप जो है वो पूरा आवेदन प्रपत्र को भरेंगे, ठीक है। और जितने भी आप डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे उनकी आपको तीन तीन कॉपी रखनी है, तीन प्रतियाँ आपको रखनी है, ठीक है। मेरी बात को जो है वो आप बिल्कुल ध्यान से गांठ बांध लें, प्रत्येक की जो है 3 प्रतियां रखनी है, क्योंकि देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, उनके जो है वो 10th की मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम हुई, उन्होंने बोर्ड में जाकर उसको सही करवाई, बोर्ड ने उसको जमा कर लिया और आप लोगों को जो डुप्लीकेट मार्कशीट है वो आपको दे दी, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त जो डुप्लीकेट मार्कशीट होती है उसके साथ में यदि आपने पुरानी जो आपकी मिस्टेक थी वो आपने नहीं लगाई तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए हर एक चीज़ की फोटोकॉपी यदि आप कहीं भी जमा कर रहे हैं सबसे पहले तो फोटोकॉपी दें। यदि आपकी जैसे आपकी बोर्ड में जो है वो 10th की गलत मार्कशीट जमा हुई तो आपकी उसकी फोटोकॉपी जो है वो अपने पास रख लेनी थी ताकि आप न्यू मार्कशीट के साथ में पुरानी जो मार्कशीट है उसको भी साथ में दिखाएं, ठीक है, कि आपकी जो है वो गलती नहीं थी, बोर्ड की तरफ से गलती हुई है। नेक्स्ट जो बात है कि एडमिशन डेट से संबंधित, अब कई जो हैं वो कॉलेज ही बीएड कॉलेज ही बंद हो चुके हैं, अब बच्चों को जो है ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो ही नहीं बनवा पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग जो है वो शपथ पत्र लगाएंगे, इसके अलावा आपके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता है। और शपथ पत्र लगाने के बाद आप ऐसे ना समझें कि हमें जो है वो निकाल दिया जाएगा, आपने एग्ज़ाम दिया है, आपने एग्ज़ाम में मार्क्स गेन किए हैं, नौकरी तो आपकी लगेगी,
100% लग जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कागजों के बेस पर आपको बिल्कुल नहीं निकाला जाएगा, और अभी तक जो है कागजों के बेस पर बिल्कुल भी निकाला ही नहीं जाता है। यदि आपने बीएड फर्जी किया है तो आपको बाहर निकाला जाएगा, यदि आपने जानबूझकर जो है वो गलत डॉक्यूमेंट जो है लगाया है तो आपको बाहर किया जाएगा। ठीक है, हर एक चीज़ का जो है सॉल्यूशन है, कोई भी प्रॉब्लम आपके कागज़ों में आ रही है, शपथ पत्र लगाना है आपको। कोई भी कागज़ जो है वो बनने के लिए आपने दिया है, अभी तक आपके हाथ में नहीं आया है, शपथ पत्र लगाना है आपको। आपकी शादी जो है वो नहीं हुई थी, अब हुई है, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है, शपथ पत्र लगाना है आपको। मार्कशीटों में जो है वो नाम में कोई प्रॉब्लम हुई है तो आपको शपथ पत्र लगाना है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आप कोई अपराधी नहीं हो, आप टीचर बनोगे तो यहाँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त हमारा क्या होगा। बहुत ही इजी तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब मार्कशीट जो है वो आपके हाथ में पहले से ही रहती हैं। ठीक है, जो आपके आरक्षण से संबंधित जो डॉक्यूमेंट होते हैं केवल आपको वही तैयार करने होते हैं, और वो भी आप लोग जो है वो समय रहते तैयार करवा ही लोगे। मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे किसी का पुराना है और उसका नया नहीं बन पाया है तो आप लोग पुराना ही लगाएं। ठीक है, यहाँ पर भी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, पुराना ही लगाएं, क्योंकि एड्रेस वगैरह चेंज हो जाता है तो पुराना लगाएं और उसके साथ शपथ पत्र लगा दें। शपथ पत्र क्या होता है कि यदि आप जो है आगे जो है इसको सही करवा लेंगे या मेरे कागज़ में कोई कमी है और इसका जिम्मेदार केवल मैं नहीं हूँ, तो आप शपथ पत्र लगा दें, जिससे ये हो जाता है कि अगले 6 महीने के अंदर जो है वो आप लोग इसको सही करवा लेंगे। तो बिल्कुल भी जो है वो टेंशन नहीं लेनी है, बहुत टेंशन आप ले चुके हैं, एग्ज़ाम में जो है वो आपका बहुत समय लगा है, रिजल्ट आने में भी बहुत समय लगा है। अब आपको अपनी नौकरी के बारे में सोचना है और अब आपको नौकरी जो है वो मिल के ही रहेगी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यदि आपके पास है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना क्वेश्चन जो है ज़रूर छोड़ें, ताकि मैं उसको देख सकूं और उसका समाधान के बारे में जो है आपको बता सकूं। ठीक है, तो चलिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।